नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई नपा अध्यक्ष पद फिर हुआ शून्य, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। मुल्ताई नपा अध्यक्ष के मामले में नीतू परमार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है, जिससे अब मुल्ताई में नपा अध्यक्ष के फिर से चुनाव होने की संभावना बन गई है। वहीं भाजपा पार्षद वर्षा गढ़े का चुनाव के पूर्व फिर से नपा अध्यक्ष मनोनीत हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्षद वंदना साहू द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था, जिसके तहत मुल्ताई कोर्ट के निर्णय पर रोक लग गई थी। हाई कोर्ट के इस स्थगन आदेश के इस फैसले के खिलाफ पार्षद वर्षा गढ़े का सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आगामी आदेश तक हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया है। कानून के जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे के बाद पार्षद वर्षा गढ़े के नपा अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। ज्ञात हो कि हाई कोर्ट में नपा अध्यक्ष नीतू परमार द्वारा लगाई गई याचिका पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। अब पार्षद वंदना साहू द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल चुका है, जिससे एक और जहां नगर में फिर से चुनाव की संभावना बन गई है, वहीं चुनाव तक पार्षद वर्षा गढ़ेका को नपा अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकता है। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।